करते हैं, पर आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना वो टोटली यूनिक है, जिसे ना ही मैं सिर्फ फ्रेश स्ट्रॉबेरी से तैयार कर रही हूँ पर उसके अंदर टेंटिंग क्रीम चीज ऐड करके मैं उसे डिलीशियस भी बना दूंगी। तो शुरू करें। स्ट्रॉबेरी मफिन्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम जितना मैदा ले लिया है और 100 ग्राम जितना कंडेंस मिल्क ले लिया है। ये मफिन्स हम कंडेंस मिल्क से तैयार कर रहे हैं। साथ ही में 50 ग्राम जितना बटर ले लिया है, 2 टेबलस्पून जितना मिल्क पाउडर लिया हुआ है, 2 टेबलस्पून जितना क्रीम चीज़ ले लिया है, 1/2 टीस्पून जितना मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया हुआ है और 1/4 टीस्पून का हाफ यानी कि 1/8 टीस्पून जितना मैंने ये बेकिंग सोडा लिया हुआ है। साथ ही मैं 1/2 कप जितना स्ट्रॉबेरी ले रही हूँ मैं यहाँ पर। ये स्ट्रॉबेरी को हम सबसे पहले क्रश करके इसका पल्प तैयार कर लेते हैं। एक बार स्ट्रॉबेरी को क्रश करके मैंने यहाँ पर उसका पल्प रेडी कर लिया है। अगर आप ये पल्प यूज़ नहीं करना चाहते या फ्रेश स्ट्रॉबेरी यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो जो रेडीमेड स्ट्रॉबेरी का पल्प मार्केट में अवेलेबल होता है, जो क्रश के नाम से मिल जाता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर ये फ्रेश स्ट्रॉबेरी ही यूज़ कर सकती हूँ। साथ ही में हम थोड़ी सी फ्रेश स्ट्रॉबेरी के पीसेस भी और ऐड करेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं हमारी स्ट्रॉबेरी मफिन्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो वेट इंग्रेडिएंट्स है यानी कि ये कंडेंस मिल्क है वो एक बार डाल लेती हूँ। उसी के साथ ही यहाँ पर ये जो बटर है वो भी डाल देते हैं। साथ में ये जो क्रीम चीज़ है ये भी ऐड कर लेते हैं। स्ट्रॉबेरी क्रश हमने रेडी किया है, जो स्ट्रॉबेरी का भी हमने पल्प बना दिया था वो भी ऐड कर लेते हैं। ये अराउंड 4 टेबलस्पून जितना मैंने अभी लिया हुआ है। और अब इन सारी चीज़ों को हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। ये मैं रफली एक बार मिक्स कर रही हूँ। अब इसे मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरे पास ये विस्कर है उससे मिक्स कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो इसे बलून विस्कर जो आता है, हैंड विस्कर, उससे भी मिक्स कर सकते हैं। पर बेस्ट रिजल्ट के लिए अगर केक, पेस्ट्री, मफिन्स, इन सारी चीज़ों में अगर हम ये इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करते हैं तो उससे बहुत ही अच्छे से बीट होता है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके मैंने यहाँ पर इनका एक ये बैटर तो रेडी कर लिया है। बस अब इसी के अंदर फ्लावर वगैरह डाल के हम इसका एक प्रॉपर बैटर रेडी कर लेंगे जिससे हम मफिन्स बनाएंगे। पर उसके पहले हमें अभी जो हमारा OTG है उसे प्री हीट करना है। तो मैं अभी हमारे OTG को प्री हीट के लिए लगा देती हूँ, जो कि 170 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीटिंग के लिए छोड़ दूंगी मैं उसे। और साथ ही में बोथ रॉड्स ऑन, जिसे हम टोस्ट मोड भी कहते हैं, और 10 मिनट्स के लिए हम उसे प्री हीट करेंगे। तो मैं अभी सबसे पहले OTG प्री हीट कर लेती हूँ। एक बार OTG को प्री हीट के लिए तो लगा दिया है, और जब तक OTG प्री हीट हो जाता है तब तक हम हमारा ये जो बैटर है उसे रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है यानी कि जो ये हमारा फ्लावर है वो, और उसी के साथ ये मिल्क पाउडर लिया हुआ है हमने वो, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, इन सारी चीज़ों को एक बार पहले सीव कर लेते हैं हम, ताकि कोई लम्स ना रह जाए इसका। इसे रफली एक बार मिक्स तो कर ही लिया है मैंने, पर अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा लिक्विड वाटर डाल रही हूँ, और इसकी कंसिस्टेंसी हम थोड़ा सा जो रेगुलर मफिन के लिए हमें बनानी है वो हम कर देंगे। एक बार यहाँ मैं वाटर लिक्विड यूज़ कर रही हूँ। अगर आप मिल्कमेड यूज़ नहीं कर रहे हैं और कर्ड से बना रहे हैं तो जब आप वाटर यूज़ करते हैं तो आप कोशिश कीजिए उसकी जगह आप दूध यूज़ कर लीजिएगा, तो उससे इसका टेक्सचर फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये कंसिस्टेंसी थोड़ी सी अभी थिक है, मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ, अराउंड 1 स्पून जितना। यहाँ पर मैंने 1/4 कप से भी कम पानी यूज़ किया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि 1/4 कप ही पानी यूज़ हो या 1/4 कप से कम ही पानी यूज़ हो। उसका रीज़न है कि कभी कभी डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मैदा लिया हुआ है, तो हमारी जो क्वालिटी होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना पानी सोखेगा, कितना वो उसे हमें वेट करना पड़ेगा। बस ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही सही है मफिन्स के लिए। आप देख सकते हैं केक जितनी फ्लोई कंसिस्टेंसी नहीं रखनी है, हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी ही चाहिए। इसे मैं एक बार बीटर से मिक्स कर लेती हूँ। ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है बैटर हमारा। अब ये जो स्ट्रॉबेरी के पीसेस कर रखे हैं मैं एक बार उसे अलग से बाउल में ले लेती हूँ, और इसी स्ट्रॉबेरी के पीसेस के अंदर मैं
हाफ अ स्पून जितना कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ और उससे मिक्स कर लेते हैं हम एक बार। पीसेस को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने कॉर्नफ्लावर से। जब भी आप ये फ्रेश फ्रूट्स यूज़ करते हैं तो कोशिश कीजिए उसे कॉर्नफ्लावर से मिक्स करके फिर ऐड कीजिए, क्योंकि होता क्या है जब ये फ्रेश फ्रूट्स हम यूज़ करते हैं ना तो उसका जो पानी होता है वो जो जूसेस होते हैं वो रिलीज़ हो जाता है जब हम इनको बेकिंग के लिए लगाते हैं, और अल्टीमेटली फिर जब वो रिलीज़ होता है पानी तो उसकी वजह से हमारे जो मफिन्स हैं वो प्रॉपर बनते नहीं हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर कॉर्नफ्लावर डाल दिया है, इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं और अब हम क्या करेंगे इसे फिल कर लेते हैं हम हमारे जो मोल्ड्स हैं उनके अंदर। मोल्ड्स भी रेडी कर लिए हैं। अब इसी वक्त मैं क्या कर रही हूँ, ये जो बैटर है उससे मैं ये जो हमारे मोल्ड्स हैं उन्हें फिल कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारे मोल्ड्स हम हाफ ही फिल करेंगे, उससे ज़्यादा फिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बैटर में बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी डाला हुआ है तो जब ये राइस करेंगे तो फिर पूरा ही फूल जाएगा, तो हम अभी सिर्फ हाफ ही इसको फिल करेंगे। मैंने यहाँ पर ये सिलिकॉन मोल्ड लिया हुआ है तो उसी की वजह से मैं इसके अंदर अभी कोई लाइनिंग यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो लाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से सारे मोल्ड्स को एक बार मैं फिल कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर सारे मोल्ड्स के अंदर ये बैटर फिल कर दिया है हमारा, और अब मैं थोड़ा सा क्या कर रही हूँ, ये जो है हमारे पास क्रश वो थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो मैं एक बार उसे भी डाल देती हूँ ऊपर से। ज़्यादा नहीं, दो दो ड्रॉप ही डालना है क्योंकि इसके अंदर भी अभी थोड़ा सा वाटरी है। ये फ्रेश फ्रूट्स के उससे बना हुआ होता है तो थोड़ा बहुत ये जूसेस की वजह से इसी तरह से होता है, तो हमें थोड़ा सा इसमें केयर करनी है। और बस अब इसे थोड़ा सा हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मफिन्स बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं, अभी भी ये देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। चलिए जल्दी से इसे बेक कर लेते हैं एक बार। तो लीजिए, मफिन्स को बेक होने के लिए भी रख दिया है मैंने, और अब इस मफिन को हम 160 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करेंगे, बेक करेंगे, साथ ही में बोथ रॉड्स ऑन और हम फैन मोड भी ऑन रखेंगे। इसे हम 25 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। तो अब वेट करते हैं 25 मिनट्स की और उसके बाद हम डिलीशियस और टेम्प्टिंग मफिन्स एंजॉय करेंगे। 20 मिनट्स अराउंड हो ही गए हैं, मफिन्स भी राइज होकर आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर तक आ गए हैं, और हमने जिस तरह से उसे हाफ फिल किया था तो अब ये पूरा फिल हो गए हैं, और 5 मिनट बस अब यहाँ पर बाकी है। तो मैं एक बार मफिन्स को चेक कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अभी इस टूथपिक को अंदर डाला और बाहर निकाला है, जो मफिन्स के अंदर डाल के निकाला बिल्कुल नीट एंड क्लीन आई है, इसका मतलब मफिन्स अच्छे से रेडी हो गए हैं। तो अब हम ये मफिन्स को बाहर निकाल लेते हैं, ज़्यादा बेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है इसको। मफिन्स बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, मैंने अभी उसे ओटीजी से एक बार बाहर निकाल लिया है, और लास्ट वाली जो 5 मिनट्स थी मैंने क्या करा था, उस टाइम थोड़ा सा टेम्परेचर हाई कर दिया था जिससे ये सेंटर में आप देख सकते हैं थोड़ी सी लेयर क्रिस्पी सी और ब्राउन सी हो गई। मुझे एक्चुअली मफिन्स थोड़े से इस तरह से अच्छे लगते हैं, तो थोड़ा ये वाले पीसेस तो हो गए हैं जैसे मुझे चाहिए थे, बट साइड में जहाँ पर रॉड्स नहीं होती है उस साइड तो नॉर्मल है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मफिन्स को अभी बिल्कुल भी डीमोल्ड नहीं करेंगे, एक बार ये बिल्कुल ठंडे हो जाने देते हैं उसके बाद ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे, अदरवाइज होता क्या है कि ये बिल्कुल ही टूट जाएंगे। तो हम इसे एक बार ठंडा हो जाने देते हैं अच्छे से। मफिन्स को ठंडा होते हुए अराउंड हाफ एन आवर हो गया है, तो अब हम इसे एक बार डीमोल्ड कर लेते हैं। और ये मैंने सिलिकॉन मोल्ड लिए हुए थे, ये बहुत इजीली डीमोल्ड हो जाते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो गए हैं, और मफिन्स बहुत ही अच्छे बनकर निकले हैं, एकदम सॉफ्ट से है, ये आप देख सकते हैं कितना प्रेस हो रहे हैं, और मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो अब सारे मफिन्स को मैं एक बार डीमोल्ड कर लेती हूँ और प्लेटिंग कर लेते हैं इसकी। मफिन्स बहुत ही इजीली डीमोल्ड हो गए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सिलिकॉन मोल्ड से मैंने उनको डीमोल्ड किया हुआ था और ये बहुत ही नीटली डीमोल्ड हो गए हैं। और आपको पता ही है कि मैंने इन मोल्ड्स में कुछ भी नहीं लगाया हुआ था, ना ऑयल ना लाइनिंग पेपर
और ना ही उसके ऊपर कोई फ्लावर जैसी कोई चीज़ लगाई थी, बट बहुत आसानी से निकल गया। तो आप बहुत आराम से इस तरह के सिलिकॉन मोल्ड यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। तो प्लेटिंग करने से पहले इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं हम। मैंने यहाँ पर ये कि पेपर रख दिया है और इसे अब मैं हल्का सा ये शुगर पाउडर है उससे डेकोरेट कर रही हूँ। बस इसी तरह से और भी मैं कर लेती हूँ। शुगर से कोट हो गए हैं और अब सर्व कर लेते हैं इसे। तो लीजिए, रेडी है स्ट्रॉबेरी मफिन्स। बनाइए, खाइए और एंजॉय ज़रूर कीजिए।